जेएनयू छात्र दिल्ली पुलिस के साथ संघर्ष, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया प्रोफेसर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग। दिल्ली पुलिस और जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू के विद्यार्थियों के बीच वसंत कुंज पुलिस थाने के सामने संघर्ष शुरू हुआ, जहां छात्र एक प्रोफेसर के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिसने कक्षा में छात्रों को कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, पुलिस बाड़ लगाने का उल्लंघन किया है और दागी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक कक्षाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया है। 9 महिलाओं के छात्रों ने यौन उत्पीड़न की लाइफ साइंस स्ट्रीम की जेएनयू प्रोफेसर अतुल जोहरी पर आरोप लगाया है और गुरुवार से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इंडिया टुडे ने बताया। इस बीच इस मुद्दे ने विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच संघर्ष का एक अन्य मुद्दा प्रज्वलित किया, क्योंकि जेएनयू की आंतरिक समिति ने दावा किया कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, जबकि छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है और कोशिश की है। प्रोफेसर ढाल जेएनयू छात्रों के संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने इंडिया टुडे को बताया, किसी व्यक्ति के पेशे के आधार पर किसी भी अपराध को माफ नहीं किया जाना चाहिए, वाइस चांसलर को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच डीसीपी दक्षिण पश्चिम मिलिंद दुम्बेरे ने कहा कि मामले की स्थापना की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है और आरोपी प्रोफेसर को नोटिस जारी कर दिया गया है और मंगलवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। कई शिक्षकों ने यह भी बताया है कि यौन संवेदना विरोधी समिति जीएसएसएच के खिलाफ लिंग संवेदीकरण समिति का समर्थन करने वाले संकाय के रूप में वे परेशान थे कि शिकायतकर्ताओं को एक ऐसे मुद्दे पर पुलिस से संपर्क करना पड़ता था जो विश्वविद्यालय में अपनाया जा सकता था। एक प्रदर्शनकार ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के बाद एक पूर्ण कार्य दिवस पारित हो गया है, लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं की है। इस बीच जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष गीता कुमारी ने आईएएनए से कहा, पुलिस आरोपी को उनके आरोपों से बचाने की कोशिश कर रही है। सोमवार को केवल 4 लोग आरोपी को शामिल नहीं करते थे। गुरुवार को कुमारी ने कहा कि जब जेएनयू के 7 छात्र प्रोफेसर के खिलाफ वसंत कुंज पुलिस थाने में यौन दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराते थे तो पुलिस ने शिकायतें एक ही नाम से दर्ज की, यह शर्मनाक है। उसने कहा, हम अपने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर पुलिस का मानना है कि वे हमारे साथ चतुर खेल सकते हैं, हम यहां खड़े होने वाले विद्यार्थियों के विरोध में भी दावा करेंगे कि हमें उनके साथ घूमने की धमकी दी जाती है, कुमारी ने कहा। इससे पहले सोमवार प्रक्रियाओं को अनदेखा करने की पुलिस पर आरोप लगाते हुए 54 जेएनयू प्रोफेसरों ने प्रोफेसर जोहरी के खिलाफ दाखिल यौन उत्पीड़न की सभी 8 शिकायतों में अलग प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने महिला छात्रों के एक समूह द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के आरोप में प्रोफेसर जोहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के 2 दिन बाद उन्होंने पुलिस उपायुक्त दक्षिण पश्चिम मिलिंद दुम्बेरे के कार्यालय से 2 दिन की याचिका दायर की। शिक्षकों ने कहा कि 8 शिकायतों के रूप में कई महिलाओं द्वारा दायर किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केवल 1 शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया। हालांकि आपको 8 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से प्रत्येक की घटनाएं अलग अलग और अलग अलग जगह और समय से अलग की जाती हैं। आपने केवल 1 ही नाम के तहत केवल 1 प्राथमिकी दर्ज करने का चयन किया है। हमें यह जानने में हैरान है, क्योंकि कानून के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिकायत के लिए 1 अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, याचिका में कहा।
उन्होंने यह भी मांग की कि सभी शिकायतकर्ताओं के अलग वक्तव्य सोमवार को दर्ज किए जाएंगे। याचिका में उन्होंने कहा, यहां तक कि बुनियादी प्रक्रियाओं के लिए यह उपेक्षा हमें बताती है कि दिल्ली पुलिस का अतुल जोहरी के खिलाफ गंभीरता से कार्य करने का कोई इरादा नहीं है।